आज संसद में आम बजट पेश कर दिया गया है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। सर, आज आम बजट पेश किया गया है, इसको सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को। ये एक बहुत ही अच्छा बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है और ये यथार्थ बजट है। इसमें जो फिगर्स की हेरा फेरी नहीं की गई है और इस बजट से आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत विकास होगा और ये एक दूरगामी परिणाम देने वाला बजट होगा। कृषि में बहुत अच्छा पैसा माननीय वित्त मंत्री ने दिया है, इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा पैसा दिया गया है और कृषि में जो पैसा दिया गया है सेस लगा के पेट्रोल और डीजल पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका कंज्यूमर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतनी ही ड्यूटी घटा दी गई है। तो इससे आने वाले समय में लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। 35,000 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा चिंतित है। इस पूरे पैंडेमिक काल में जहां सरकार ने इतना अधिक धनराशि का व्यय किया है, उसके बाद भी कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 75 वर्ष से ऊपर के, जिनकी आय डिफरेंट नहीं है, जिनको पेंशन से आय आती है, जिनको इंटरेस्ट से आय आती है, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है, उनको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारे अच्छे छूट और अच्छा एक गेस्चर गवर्नमेंट ने दिया है। चलिए, आप तो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री भी हमारे बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बजट रहने वाला है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टी इसको लेकर के कह रहे हैं कि माइनस जीडीपी में ये और भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था को डाउन करने वाला बजट है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विपक्षियों का काम है सरकार की आलोचना, इसलिए वो कर रहे हैं। बजट का अर्थ क्या है? बजट का अर्थ है कि सरकार को जितनी आय हो रही है उसका व्यय किस प्रकार कर रहे हैं, और मौजूदा व्यवस्था में जो सरकार ने अपना जो टैक्स कलेक्शन से धनराशि आएगी उसको बेस्ट वे में खर्च करने का प्लान बनाया है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जहाँ देश का विकास होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो ये एक बहुत, इससे आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का एक बयान सामने आया है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का कहना है कि टैक्स पेयर्स के लिए इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। बजट आपने पेश किया, लोगों को काफ़ी सारी उम्मीद थी, लेकिन लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरने वाला ये बजट है। नहीं, देखिए, ऐसा है ना, इस पैंडेमिक काल में सरकार ने लोगों की जान बचाने के लिए कितना अधिक धनराशि खर्च की है। लगभग 8 से 10 महीने जो हमारे गरीब भाई थे, मजदूर भाई थे, जिन्होंने पलायन किया एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान को, उनको मुफ्त भोजन दिया गया है, वैक्सीन में 35,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, इसमें सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको टैक्स में रियायत दी गई है जी। तो अब जिस पर आप किस तरीके से देखते हैं कि इस बजट के आने के बाद हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर किस तरीके से किस राह पर बन पाएगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा अधिक दिया जाता है, किसान को अधिक लोन अवेलेबल होगा, तो ये निश्चित रूप से ये सारा का सारा धनराशि मार्केट में आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से आने वाले समय में आपको तरक्की नज़र आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे निश्चित रूप से भारत की जनता को इसका लाभ मिलेगा और देश आत्मनिर्भर होगा। रक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छी इस बजट में जो है उनको धनराशि अलॉट की गई है, तो ये भी एक अपने आप में जिस प्रकार से सीमाओं पे इस समय तनाव है उसको भी अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात कर रहे थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि ये बजट हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है और हमारे देश का जो विकास है उसमें प्रगति लाने के लिए है। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, दिल्ली।